के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु उद्योग भारतीय सेवा इकाई के साथ संयुक्त रूप से एक निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम भिलाई और दुर्ग क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्यात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की ऋषु मिश्रा ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि निर्यात के क्षेत्र में योजना और सामान की गुणवत्ता पर ध्यान देने से सहायक उद्योगों में देश को निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भिलाई, दुर्ग और रायपुर और आसपास के सभी जिलों के लिए ये एक्सपोर्ट अवेयरनेस सेशन करवा रहे हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसको कैसे स्टार्ट करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, विदेशों में क्या व्यापार को हमको बढ़ाने के लिए किन बातों का, किन बारीकियों का ध्यान देना होता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताएंगे और उनके अंदर इस बारे में जागरूकता फैलाएंगे। वहीं लघु उद्योग भारतीय सर्विस इकाई के वित्त प्रमुख दुर्गा प्रसाद ने बताया कि इस बार के वित्त बजट में एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार के बजट में 22,000 करोड़ के करीब रुपए का प्रावधान किया है, जिसे विभिन्न मदों में खर्च किए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसएमई क्षेत्र को काफी प्राथमिकता दी है तथा एक्सपोर्ट के लिए विशेष सुविधाएं देने का लक्ष्य रखा है। इसी संदर्भ में मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जागरूकता अभियान भी प्रारंभ किया। गौरतलब है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है।